हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तड़का मसाला किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बंडा की सब्ज़ी। बंडा की सब्ज़ी मेरे स्टाइल से बनाइएगा, आपकी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगी। बंडा की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम बंडे को अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद बंडे के छिलके को छील लेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो लास्ट तक देखें। बंडे का जो साइड के पार्ट हैं वो 4-4 इंच तक काट लेना है, क्योंकि वो साइड का जो पार्ट है वो गलता नहीं, उसको काट के फेंक देना है। देखिए, इस तरह से पहले पीसेज में कट कर लेंगे, उसके बाद छोटी छोटी पीस करेंगे। ये बंडे को टुकड़ों में काट लिया है। अब बंडे को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लेना है। बंडे की ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी। इतनी बढ़िया, इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। एक बार आप बनाएंगे मेरी रेसिपी से तो बार बार बना के खाना चाहेंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया बंडे को, अब हम मसाला देख लेते हैं। मसाले में हमने 1 बड़ी साइज़ का प्याज लिया है, 1 लहसुन लिया है। अब हम लेंगे 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1/2 टेबल स्पून सौंफ, 1/2 कप पानी डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा बन चुका है। अब इसी जार में हम 2 टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। टमाटर को वॉश कर लेना है, वॉश करने के बाद कट करके इसका पेस्ट बना लेंगे। टमाटर का भी पेस्ट हमारा रेडी है। अब एक बर्तन में निकाल लेंगे, अब कुकर को गर्म कर लेंगे। कुकर में हम 1 से 1.5 कप ऑयल डालेंगे। हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप जो ऑयल खाते हैं आप वो डाल सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, धुआं आने तक पका लेना है ताकि कोई कच्चापन ना रहे। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना और 1 तेज़पत्ता डालेंगे। दोनों चीज़ों को एक साथ डाल देना और फौरन जो मसाला पीस के हमने रखा था वो मसाला डाल देंगे। मसाला डालने से पहले गैस के फ्लेम को स्लो कर लेना है। हमने आधा मसाला डाला था, जो बचा हुआ मसाला वो भी डाल देंगे। अब बर्तन में मसाला चिपका हुआ है, थोड़ा सा पानी से मसाले को छुड़ा लेना है, छुड़ा के वे भी डाल देंगे। अब ढक के 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे, मसाले को भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। देखिए 1.5 मिनट हो चुके हैं, मसाले को चला लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमने डाला है कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से ग्रेवी का जो कलर होता है बहुत बढ़िया हो जाता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना ना डालें। मसाला एक साइड में भून रहा है जब तक हम बंडे को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने एक पैन गर्म कर लिया है। पैन में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरे का कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। ज़ीरे का कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे बंडा। बंडे को 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जब बंडे को फ्राई करके बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। आप जब भी बनाएं बंडे को फ्राई करके बनाइए, फिर देखिए आपके बंडे की सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनकर तैयार होगी। बंडे को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे फ्राई कर देंगे, लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। तीन से
से 4 मिनट हो चुके हैं, बंडे का कलर चेंज हो चुका है। अब बंडे को हम साइड में रख देंगे। अब हम मसाला देख लेते हैं। मसाला बढ़िया तरीके से भून चुका है, तेल अलग और मसाला अलग हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे जो टमाटर का पेस्ट बना कर रखा था, वो पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक और मीडियम फ्लेम पे मसाले को भून लेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मसाले को अच्छी तरह से चला लेना है। तेल देखिए अलग हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे खटाई पाउडर यानी आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है बंडे का, आप जब भी बनाएं आमचूर पाउडर ज़रूर डालें। आमचूर पाउडर डालने के बाद 1 मिनट और हमने भून लिया था। देखिए मसाला अच्छी तरह से हमारा भून चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे फ्राई किया हुआ बंडा। बंडा डालने के बाद मसाले को और बंडे को एक साथ 1 मिनट के लिए और चलाते हुए भून लेना है। इस तरह से चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे भून लेंगे। बंडे को हमने भून लिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने उसी पैन में लिया जिस पैन में हमने बंडे को फ्राई किया था। 1 गिलास हमने पानी लिया है, वो डाल दिया। पानी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी वाला बंडा चाहिए तो आप पानी आधा गिलास डालिएगा। देखिए हमने इतना पानी डाला है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब गरम मसाले को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद कुकर का ढक्कन बंद करके 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे, जब तक कि बंडा गल ना जाए। आप बीच में चेक कर लीजिएगा, अगर बंडा नहीं गला हो तो आप 1 सीटी और लगा लीजिएगा। ये देखिए बंडा हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। ये देखिए बहुत टेस्टी बंडा हमारा तैयार हुआ। अब हम सर्विंग बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए हमने निकाल लिया है। अब इसमें आप चाहें तो फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं। इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी से किसी भी ग्रेवी का टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। कसूरी मेथी को हाथ से क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद इसमें डाल देंगे। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक फॉर वॉचिंग।